अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही बढ़िया रेसिपी, जो है पिज़्ज़ा की रेसिपी। तो एक बर्तन में मैंने लूक वार्म वाटर यानी गुनगुना पानी, कम गर्म पानी यानी ले लिया 1 कप। अब उसमें हम 5 टीस्पून शुगर डालेंगे। जिस मेथड से मैं आपको बता रही हूँ प्लीज़ वही आप रेसिपी फॉलो कीजिएगा, बहुत अच्छा पिज़्ज़ा तैयार होता है। अब हम इस शुगर को डिज़ोल्व कर लेंगे अच्छे से। शुगर डिज़ोल्व हो गई है, अभी हम इसमें 4 टीस्पून ईस्ट डालेंगे। 4 टीस्पून ईस्ट, ये एक्टिव ड्राई ईस्ट है, आपको जो भी अवेलेबल मिलती हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंस्टेंट नहीं होनी चाहिए, इसे एक्टिवेट करना पड़ता है। तो मैंने ब्लू बर्ड की एक्टिव ड्राई ईस्ट मिलती है मार्केट में, वो ली। अब हम इसको अच्छे से पानी में मिक्स कर देंगे। 10 मिनट के बाद ये अच्छे से एक्टिव हो गई है, देखिए इस तरह से दिखना चाहिए, यानी ये एक्टिव हो गई है, हल्के से बबल्स और फेस जैसा ये बन जाता है एक्टिव होने के बाद में। तो इसको अच्छे से हम मिक्स दे देंगे। ये मेजरमेंट 3 पिज़्ज़ा का है, 3 मीडियम पिज़्ज़ा का। तो आप यानी अगर ज़्यादा क्वांटिटी बनाना चाहते हैं तो आप उसके हिसाब से मेजरमेंट से आप बढ़ा लीजिएगा ड्राई ईस्ट को भी और मैदे को भी। तो मैंने 3 कप मैदे में 4 टीस्पून, 3 कप मैदे में 4 टीस्पून मैंने एक्टिव ड्राई ईस्ट यूज़ किया है, यानी हर 1 कप पे 1 टीस्पून, लेकिन मैंने 1 टीस्पून एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि उससे अच्छा ज़्यादा ईस्ट मतलब फर्मेंट हो जाता है और हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से हाथों से गूंथ लेंगे, जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं, उससे थोड़ा सा सॉफ्ट होगा ये। तो हाथों से ही गूंदिएगा, किसी चीज़ का इस्तेमाल मत कीजिए, बहुत अच्छा बनता है। अच्छे से मुक्का मार मार के गूंदिए, थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करके। अब ये जैसे अच्छा डो बन गया है तो अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून के करीब ऑलिव ऑयल यूज़ करूँगी। ऑलिव ऑयल से ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, जितनी भी इटालियन डिशेस होती है ना उसमें ऑलिव ऑयल ज़रूर यूज़ कीजिएगा, उससे अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। लेकिन फ्लेवरफुल दूसरा कोई और फ्लेवर का, जैसे सरसों का तेल हो गया या कोई और तेल, और कोई फ्लेवर का तेल इसमें मत यूज़ कीजिएगा। ये मेरे पास फिलिप्स का OTG है तो इसी में मैं पिज़्ज़ा बनाऊंगी। तो अब मैं इसे प्री हीट करने के लिए रख दूंगी, ये इसका ट्रे है, इसी में हम पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो इसको मैं अभी प्री हीट करने के लिए रख दूंगी 10 मिनट के लिए। ये खुद ही इसमें प्री हीट का ऑप्शन है, इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें प्री हीट का ऑप्शन है। तो जब हम प्री हीट के ऑप्शन को दबाते हैं तो ये खुद ब खुद 10 मिनट के लिए सेट हो जाता है 180 डिग्री पे। 10 मिनट में ही प्री हीट हो जाएगा, जब तक हम पिज़्ज़ा की तैयारी कर लेते हैं। अब ये मैंने ना पनीर लिया है, पनीर में मैंने टिक्का मसाला और चाट मसाला मिक्स करके रख दिया था, और ये पेटल्स में मैंने ऑनियन कट करके रख लिए थे, प्याज कट करके पेटल्स के शेप में कट कर लिए थे। ये मकई का आटा है, ये अच्छे से क्रस्ट देगा इसलिए हम इसे यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी बना सकते हैं बिना इसके, खाली ऑयल अप्लाई कर लीजिएगा। ये अच्छे से देखिए 2 घंटा लगता है इसको फर्मेंट होने के लिए, मैंने पहले बताना मैं भूल गई, इसको 2 घंटा रखिए आप फर्मेंट होने के लिए। जब आप अच्छे से गूंद लेना, गूंदने के बाद में ऑयल अप्लाई कर लिए, ऑलिव ऑयल डाल दिए, उसके बाद 2 घंटा छोड़ दीजिए, 2 घंटे में अच्छे से फर्मेंट हो जाता है। फिर इसे दबा के अच्छे से इसकी एयर निकाल देंगे हम।
अब इसमें तीन पिज़्ज़ा बन जाएंगे हमारे, तीन मीडियम साइज़ पिज़्ज़ा। ठीक है, ये मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है, जो अपना मकई का आटा है ना वो मैंने स्प्रेड कर दिया, और उसमें मैं अच्छे से फैला लूँगी हाथों से डो को, जितना साइज़ मुझे चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा मोटा बनाना है, थिक बनाना है, तो आप कम साइज़ छोटे साइज़ का बनाइएगा, लेकिन ये थिन क्रस्ट नहीं लगेगा आपको। और थिन क्रस्ट बनाना है तो डो कम लीजिए, चार पिज़्ज़ा बन जाएंगे थिन क्रस्ट बनाने के लिए। लेकिन मुझे थिन क्रस्ट नहीं बनाना था, मुझे नॉर्मल जैसा शेप होता है पिज़्ज़ा का उसी शेप में बनाना था। अब हम इसमें सॉस लगाएंगे। तो ये जो सॉस है ना, ये होममेड सॉस है। इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी, एक दो दिन में अपलोड कर दूँगी। और ये बहुत अच्छे बनते हैं घर में ही, मार्केट से अच्छा घर में बनाइए और घर का होममेड सॉस यूज़ कीजिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मार्केट के सॉस से, पिज़्ज़ा सॉस से। और ये बहुत आसानी से बन जाता है, ज़्यादा झंझट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं घर पे ही बनाती हूँ, और पिज़्ज़ा वाकई में इसकी वजह से ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इसको अच्छे से अप्लाई कर लेंगे, फैला देंगे। अब हम इसमें पनीर डालेंगे, पनीर और प्याज। लेकिन मैंने ये प्याज इसमें नहीं डाला है, क्योंकि ये मैं अपने बेटे के लिए बना रही थी, तो वो प्याज नहीं खाता, मतलब पिज़्ज़ा में उसको प्याज पसंद नहीं है, तो मैंने सिर्फ उसके लिए पनीर का पिज़्ज़ा बनाया है। तो ये टिक्का पनीर पिज़्ज़ा आप कह सकते हैं इसे। अब हमने इसमें चीज़ डालना है, तो ये ब्लेंड चीज़ है, मोज़रेला और शेडार का, अमूल का मिलता है ये। ये ब्लेंड है, मतलब दो चीज़ का मिक्सचर है ये। तो ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है, कोई भी शॉप पे या डीमार्ट में या दूसरे किसी मॉल में भी मिल जाएगा ये। तो ये डाल देंगे हम। ये देखिए यहाँ पे ना ऐसे इसके पैनल में लिखा हुआ है कि पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा को जब हम इसके उस पर प्रेस करेंगे ना, तो आसानी से उसकी सेटिंग आ जाती है और वो ऑन हो जाता है। तो वही मैं आपको बता रही थी कि इसमें केक लिखा हुआ है, पैनल में पिज़्ज़ा लिखा हुआ है, फिर टिक्का है, फिर रोस्ट है। तो आपको कोई ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ बटन दबाइए जो आपको चाहिए, यानी जो जिस यानी पिज़्ज़ा बनाना है तो उस पर क्लिक कीजिए, फिर उसको प्रेस कीजिए, अपना पिज़्ज़ा अंदर रखिए और स्टार्ट का बटन दबा दीजिए। 15 मिनट में 200 डिग्री पे पिज़्ज़ा ये तैयार होगा। और 15 मिनट ज़्यादा है, मेरा पिज़्ज़ा बड़ा नहीं है ना, मीडियम साइज़ है, तो 13 मिनट 12 मिनट में पिज़्ज़ा बन जाता है। ये दो नॉब आपको दिख रहे हैं ना, तो ये मैनुअल है। अगर आपको कम ज़्यादा करना है तो आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी सेटिंग परफेक्ट होती है। कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है किसी रेसिपी की, तो मैनुअल भी हम कर सकते हैं। तो ये OTG मस्ट बाय है, क्योंकि ये लेने के बाद तो मेरा मतलब केक मैंने बनाया, पिज़्ज़ा बनाया, गार्लिक ब्रेड बनाया, तो कोई इशू मुझे नहीं हुआ। छोटी फैमिली के लिए बहुत सही है, कोई टेंशन नहीं है, मतलब इसमें कुछ ऐसे ख़राब होती रेसिपी बिल्कुल नहीं, अच्छी चीज़ तैयार होके निकलती है। मैं आपको दिखाती हूँ, आप खुद अपनी आँखों से देखिए और जज कीजिए कि ये कितना अच्छा है। मैं किसी का एडवर्टाइज नहीं कर रही हूँ, मैंने भी इसको सर्च करके ही लिया है, बहुत ज़्यादा मुझे इसकी रिव्यू अच्छी लगी। और क्या है ना कि फ़िलिप्स का ब्रांड है, तो वो भी एक चीज़ होती है, और मेरे पास फ़िलिप्स की दो तीन चीज़ें हैं, जो दो तीन प्रोडक्ट है जो मैं यूज़ करती हूँ, और वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता है फ़िलिप्स का। मेरे पास फूड प्रोसेसर है फ़िलिप्स का, अभी OTG भी हो गया, ब्लेंडर है मेरे पास फ़िलिप्स का, मेरे पास पहले मिक्सर था, तो मुझे कभी भी फ़िलिप्स के प्रोडक्ट से कभी कोई शिकायत नहीं हुई है। और उसमें हर चीज़ अच्छी बनती है, इस OTG में भी हर चीज़ अच्छी बनती है, कभी मुझे रिग्रेट नहीं हुआ कि मैंने ये क्यों ख़रीदा। अगर आपको भी बाय करना है तो आप बेझिझक, मतलब बिना किसी टेंशन के इसे बाय कर सकते हैं। अब देखिए हमारा पिज़्ज़ा बन के रेडी है। प्लीज़ यही रेसिपी इसी इंस्ट्रक्शन के साथ में फॉलो कीजिएगा। घर का पिज़्ज़ा खा के, अपने हाथों से बना हुआ पिज़्ज़ा खा के आपको मज़ा आ जाएगा। अगर आप इसी तरीके से ये रेसिपी फॉलो करेंगे तो आप अपने घर वालों का दिल जीत सकते हैं, अपने बच्चों का दिल जीत सकते हैं, उन्हें भी मज़ा आ जाएगा और आपको भी अच्छा लगेगा।
तो आप मस्ट ट्राई कीजिए ये रेसिपी और बनाइए, और बिना डरे बनाइएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।